यूरिया संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने को लेकर कमलनाथ पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि जब बोवनी का काम पूरा हो गया है तब इनकी नींद खुली है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और समय पर किसानों के लिए 1.13 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का इंतजाम किया जा चुका है। कमल पटेल ने इसे कमलनाथ की नौटंकी बताया। उन्होंने कहा, कमलनाथ ने केवल छिंदवाड़ा के किसानों की चिंता की, लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश भर के किसानों के हितों के लिए संकल्पित है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये तंज कसा जा रहा है पूर्व सीएम कमलनाथ पर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर यूरिया के लिए पत्र लिखे जाने पर जमकर निशाना साधा और कहा, जब बोनी का कार्य पूरा हो गया है तब कमलनाथ की नींद खुली है। कमल पटेल ने कहा है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी करने वाले कमलनाथ अब यूरिया की उपलब्धता के फर्जी आंकड़ों से किसान हितैषी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को पता हो या ना हो, लेकिन प्रदेश के किसानों को पता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यूरिया आसानी से वाजिब कीमत पर उपलब्ध है। कमलनाथ भ्रामक आंकड़ों का सहारा लेकर किसान हितैषी बनने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि यदि सत्ता में रहते किसानों की सुध ले ली होती तो आज यह चिट्ठी लिखना नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को खेती और किसानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कमलनाथ ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को यूरिया की कमी के ऊपर और किसान परेशान और उसमें जो चिट्ठी लिखी है, मुझे उर्दू का वो शेर याद आ रहा है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कमलनाथ जी, आपको पता ही नहीं कि खेती कब होनी होती है, कहाँ क्या होता है, क्या लगता है, और इसलिए आप बहुत देर से जागे हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उर्वरक मंत्री से मैंने स्वयं ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा करके 1,13,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की। हमने किसानों को वितरित कर दिया जिलों के अंदर, और इसलिए पिछले साल आज के समय में 125 लाख हेक्टर में खरीफ की बोनी हुई थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 140 लाख मैट्रिक टन हेक्टर में खरीफ की बोनी हो चुकी है और समय से पहले बारिश हुई है। जितनी डिमांड पिछली बार हमारे इस बार हमारे जिले के सभी डीडीएस से अधिकारियों से आई थी, उसकी तुलना में हमने 113 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था की है और उससे किसानों को हमने पहुंचाया। आपने तो पिछली बार धोखाधड़ी की किसानों के साथ, छल किया, आपने कर्ज माफ का कहा था नहीं किया, इसलिए किसान डिफॉल्टर रह गए। आपने सोसाइटियों को 50% उनके ऊपर भार डाल दिया, इसलिए सारी सोसाइटियां जो रेगुलर थी वो डिफॉल्टर हो गई। पिछले साल किसानों को एक बोरी खाद भी उधार नहीं मिला और इसलिए छोटे किसानों ने डबल डबल रेट में लिया था, 500 रुपये 450 रुपये में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे, मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, हमने किसानों को सारी व्यवस्था की। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 80% हमने दिया है इस बार, और खाद और उसके कारण हर सोसाइटियों में जाकर गाँव के अंदर बटा है, पर्याप्त मात्रा में हमने दिया है। और अब इस समय किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं है, हमने 113 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था कर दी है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको खेत का कुछ पता नहीं, खलिहान का पता नहीं, कौन सी फसल कब बोई जाती है, कितनी बोई जाती है, कितनी होती है, ये पता नहीं। और इसलिए आपने पिछले वर्ष सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 क्विंटल प्रति हेक्टर चना खरीदने का निर्णय लिया था, बल्कि हमने पूरे प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति हेक्टर चना खरीदा है। आपने सरसों 13 क्विंटल खरीदा था, हमने किसानों के हित में 20 क्विंटल खरीदा है, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर सरसों बिकान खरीदने में हमने सफलता प्राप्त की। किसानों को 4,500 से 5,500 रुपये क्विंटल का रेट दिया है, जबकि 4,425 रुपये समर्थन मूल्य था। आपके राज में तो 3,000 भी नहीं मिला था, और इसलिए किसानों के खातों में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये गया है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और इसलिए हम किसान के बेटे हैं, हम किसान की समस्या जानते हैं, और इसलिए उसका निराकरण करने के लिए हमने पहले से ही व्यवस्था की है, और इसलिए उसका निराकरण हुआ है। अब तो आप जागे हो, आपने पत्र लिखने में भी बहुत देर कर दी। यही पत्र आप अगर एक महीने पहले लिखते तो कुछ समझ में आता, लेकिन अब तब जब आपको पता ही नहीं था किसानों की क्या समस्या है, किसानों की समस्या हम हल कर चुके हैं। और हमने नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
84 के हमने निलंबित किए लाइसेंस, 22 से अधिक के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है, और इसलिए अब किसान को नकली खाद भी देने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है, जबकि आपकी सरकार में माफियाओं का राज था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।